वेलकम टू माय चैनल सुप्रकाश क्लासेज। सुप्रकाश क्लासेज में सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज बायोलॉजी की परिभाषा और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आइए देखते हैं बायोलॉजी की परिभाषा और उनसे संबंधित परीक्षा में बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, पहले देखेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी जिसमें दोस्तों बायो, बायोलॉजी में बायो, बायो का अर्थ है दोस्तों लिविंग अर्थात जीवन, लिविंग अर्थात जीवन। बायोलॉजी में बायो का अर्थ है लिविंग अर्थात जीवन, और लॉजी यह दोस्तों लोगोस वर्ड से लिया गया है। लॉजी इसका मतलब दोस्तों हो गया स्टडी मींस अध्ययन। बायो मींस हो गया लिविंग अर्थात जीवन, और लॉजी मींस हो गया स्टडी अर्थात अध्ययन। इसका मतलब है दोस्तों जीवन अध्ययन ही, जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है, जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। अब दोस्तों इसमें देखेंगे बायोलॉजी, बायोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है, बायोलॉजी शब्द किस प्राचीन भाषा से लिया गया है। तो दोस्तों ग्रीक, कौन सी भाषा से लिया गया है, तो ग्रीक भाषा से। तो दोस्तों बायोलॉजी शब्द किस प्राचीन भाषा से लिया गया है, तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। आप देखेंगे दोस्तों बायोलॉजी के जनक कौन है, बायोलॉजी के पिता कौन है, तो बायोलॉजी के पिता कौन है, अरस्तु यानी जनक। बायोलॉजी के जनक कौन है, तो अरस्तु है। दोस्तों बायोलॉजी के जनक कौन है, तो अरस्तु है। बायोलॉजी किस प्राचीन भाषा से लिया गया है, तो ग्रीक, और बायो मींस होता है जीवन, लॉजी मींस अध्ययन अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। अब दोस्तों देखेंगे इसमें बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया। लैमार्क और तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया। अब दोस्तों देखेंगे अरस्तु ने असमस्त जीवों को दो भागों में विभाजित किया है। अरस्तु ने असमस्त जीवों को दो भागों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों देखते हैं कौन से दो भाग हैं। तब दोस्तों अरस्तु ने असमस्त जीवों को दो भागों में विभाजित किया है। एक पहला है जूलॉजी, जूलॉजी, दूसरा है दोस्तों बॉटनी। जूलॉजी मीन्स हो गया दोस्तों जंतु विज्ञान, जूलॉजी मीन्स जंतु विज्ञान। और बॉटनी मीन्स दोस्तों वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान
जूलॉजी के बारे में देखेंगे, जंतु विज्ञान, तब जंतु विज्ञान के जनक कौन है, जंतु विज्ञान के जनक कौन है तो अरस्तु ही है। जंतु विज्ञान के जनक कौन है तो अरस्तु है। दोस्तों बायोलॉजी के जनक भी अरस्तु हैं और जूलॉजी के जनक भी अरस्तु हैं। तब दोस्तों अरस्तु ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक, में जंतु विज्ञान के दोस्तों नियम को दर्शाया है तो हिस्टोरिया एनिमेलिया। हिस्टोरिया एनिमेलिया तब अरस्तु ने जंतु विज्ञान के हिस्टोरिया एनिमेलिया पुस्तक में क्या किया है, तीन नियमों को दर्शाया है। दोस्तों हिस्टोरिया एनिमेलिया यानी जंतु विज्ञान में लगभग 500 से 1000 जंतु का अध्ययन किया है। अरस्तु ने जंतु विज्ञान में लगभग 500 से 1000 जंतु का अध्ययन किया है। अब दोस्तों देखेंगे हिस्टोरिया एनिमेलिया में तीन चीजों को दर्शाया गया है। नंबर एक दोस्तों है मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मीन्स दोस्तों हो गया जंतु के बाह्य संरचना के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी, जंतु के बाह्य संरचना। जंतु के बाह्य संरचना के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी। इसे दोस्तों मॉर्फोलॉजी को आकारिकी भी कहते हैं। बाह्य संरचना में हो गया दोस्तों उसके कान कैसे हैं, उनके नाक कैसे हैं, उनके हाथ कैसे हैं, उनके पैर कैसे हैं। अब दोस्तों दूसरा है एनाटॉमी, एनाटॉमी, इसमें दोस्तों हो गया आंतरिक संरचना, मॉर्फोलॉजी दोस्तों बाह्य संरचना के बारे में बताया गया है। एनाटॉमी मीन्स आंतरिक संरचना के बारे में बताया गया। आंतरिक संरचना मीन्स क्या है कि उसके ब्लड कैसा है, उसके आर्गन कैसे हैं, उनकी हड्डी कैसे है, तो इन सब चीजों के बारे में बताया गया है। अब नेक्स्ट दोस्तों क्या है, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी मीन्स हो गया दोस्तों कार्य की, कार्य की। दोस्तों इसके कार्की से नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कार के बारे में अध्ययन किया गया है, मतलब कि जंतु विज्ञान का जो जीव है उनमें उनका कार्य क्या है। तब दोस्तों अब तीनों समझ में आ गया है आपको, जंतु विज्ञान के जनक कौन है अरस्तु, अरस्तु की कौन सी पुस्तक है जिसमें जंतु विज्ञान के नियमों को दर्शाया गया है तो हिस्टोरिया एनिमेलिया, इसमें दोस्तों मॉर्फोलॉजी है मतलब बाह्य संरचना, एनाटॉमी है मतलब आंतरिक संरचना, और फिजियोलॉजी है मतलब कार्की, उनके कार के बारे में बताया गया है। अब दोस्तों देखेंगे बॉटनी मीन्स वनस्पति विज्ञान, इसमें दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है तो पादपों का अध्ययन किया जाता है। पादपों में दोस्तों हो गया पेड़ पौधे, पादपों में पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान दोस्तों इसे क्या कहते हैं, पादपों का अध्ययन मतलब पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। अब दोस्तों देखेंगे वनस्पति विज्ञान इसके जनक कौन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तब दोस्तों कौन है, थियोफ्रेटस है,
वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेटस हैं। अब दोस्तों देखेंगे थियोफ्रेटस ने कौन सी पुस्तक में, अपनी कौन सी पुस्तक में पादपों के अध्ययन के बारे में बताया गया है। जैसे दोस्तों इसमें हो गया मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ऐसे इसमें भी है थियोफ्रेटस ने अपनी हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक, प्लांटेरम पुस्तक में पादपों के जो अध्ययन है उसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों इनकी कौन सी पुस्तक है थियोफ्रेटस की? तो हिस्टोरिया हिस्टोरिया प्लांटेरम, प्लांटेरम तब दोस्तों थियोफ्रेटस की कौन सी पुस्तक है? हिस्टोरिया प्लांटेरम। अब दोस्तों इसमें जो है कौन से नियमों को दर्शाए हैं? जैसे हो गया इसमें भी पेड़ पौधे के बाह्य संरचना के बारे में बताया गया है, उसकी बाहर की संरचना कैसे है, और पेड़ पौधे के आंतरिक संरचना के बारे में बताया गया है, पेड़ पौधे की आंतरिक संरचना कैसी है। उसके बाद दोस्तों इसके कार्य के बारे में बताया गया, पेड़ पौधे का कार्य क्या है। तब दोस्तों आपको मैंने बायोलॉजी की परिभाषा और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को दोस्तों बता दिए हैं, एक बार फिर से जल्दी से रिवीजन करा दे रहे हैं, जिसमें दोस्तों बायोलॉजी हो गया, बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है, बायो और लॉजी। बायो मीन्स होता है जीवन, लॉजी मीन्स अध्ययन, अर्थात जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। जिसमें दोस्तों बायोलॉजी या शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक। और दोस्तों इसके जनक अरस्तु हैं, और इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। आज दोस्तों देखेंगे बायोलॉजी, अरस्तु ने समस्त जीवों को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक जियोलॉजी हो गया, एक बॉटनी हो गया। जियोलॉजी मीन्स दोस्तों जंतु विज्ञान, बॉटनी मीन्स वनस्पति विज्ञान। जियोलॉजी में दोस्तों जंतु विज्ञान में लगभग 500 से 1000 जंतु के बारे में अध्ययन किया गया है, और बॉटनी के लगभग 500 पादपों के बारे में अध्ययन किया गया है। अब दोस्तों देखेंगे जंतु विज्ञान अरस्तु, इसकी पुस्तक कौन सा है दोस्तों? अरस्तु की हिस्टोरिया एनिमेलिया, और थियोफ्रेटस वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेटस जंतु विज्ञान के जनक है अरस्तु। तो थियोफ्रेटस की पुस्तक कौन सी है? हिस्टोरिया प्लांटेरम। अब दोस्तों देखेंगे इसमें मार्फोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी मतलब बाह्य संरचना, आंतरिक संरचना, कार्की के बारे में बताया गया है। ऐसे दोस्तों इसमें भी है बाह्य संरचना, आंतरिक संरचना और कार्की के बारे में बताया गया है। दोस्तों अगर यह हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऐसे ही दोस्तों वीडियो लाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमें दोस्तों मोटिवेट करिए ताकि अगली वीडियो हम लेके आए। तब दोस्तों अगर यह हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल फ्रेंड्स।